हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे पैनकेक। उसके लिए हमें चाहिए केला, जो बहुत ही पका हुआ होता है, जिसको कोई भी खाना नहीं चाहता है। उसको हम यूज कर लेंगे पैनकेक बनाने में, और बहुत ही यम्मी और मीठा टेस्टी मज़ा ही आ जाएगा आपको खा के। तो फिर ठीक है, फिर बनाना शुरू करते हैं। उसको हम छोटा छोटा ऐसे कट कर लेंगे, और उसके बाद एक किसी फोक की हेल्प से या हाथ से, जैसे भी हो सके, आप उसको बहुत ही बारीकी से मसलना है कि उसमें बड़े बड़े से ना रह जाए कुछ भी। ऐसे अच्छे से उसको मसल देना है, और जब अच्छे से मसल जाए तब हम इसमें डालेंगे, आटा यूज करेंगे और दूध यूज करेंगे और चीनी यूज करेंगे। उन सबको भी अच्छे से मिला के मिक्स करना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, फिर मैंने इसमें आटे मिक्स कर लिए। अब दूध उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे जितना उसका गाढ़ापन रहना चाहिए। ज़्यादा अगर गाढ़ा कर दोगे आप तो वो क्या होगा, तवा पे आपका चिपकने लगेगा। इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, कंसिस्टेंसी उसकी ठीक रखना। ओके फ्रेंड्स, तो पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अगर आप बनाना शुरू कर दिए हो आप तावे पे और वो चिपक रहा है, तो आप ये समझ जाना कि ये पतला हो गया, और उसमें थोड़ा सा अलग से आटा मिक्स कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद वो चिपकेगा नहीं और टेस्टी बनेगा। ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये ऐसी चीज़ है कि ये सबको पसंद आएगा। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और साथ में बड़ों को भी। ये हमने चीनी इसमें डाल दिया है, चीनी मिक्स करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है कि चीनी अच्छे से इसमें घुल जाए। 2 मिनट के लिए रख देना आप, और उसके बाद बनाना शुरू कर देना आप। मैंने तवा रख लिया, उसमें मैंने बटर मिक्स कर दिया। बटर लगाने के बाद अब इसमें हम इसको इसमें डालेंगे, इसको हल्का सा फैला देंगे, और इसके ऊपर से किसी चीज़ से कवर कर देंगे ताकि वो नीचे से भी सीके और ऊपर से भी पकना शुरू हो जाए। 1 मिनट बाद ही अब इसको हम चेक करेंगे। ऊपर देखिए लेयर से जम गई है, सूख गया है। ऊपर से हम थोड़ा सा बटर डाल देंगे। बटर नहीं है तो आप जो भी घी यूज करना है या रिफाइंड जो भी यूज करें आप, बटर से क्या होता है टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद अच्छा लगता है, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और इसको धीमी आंच में ही पकाना, आप तेज नहीं करना, नहीं तो वो नीचे से जल जाएंगे। अब हम इसको पलट लेंगे और यम्मी सा रेडी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बनाइए, खाइए और इंजॉय करिए।